नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार 9 जुलाई को निधन हो गया और आज लखनऊ के पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। साधना लखनऊ में ही मुलायम के साथ रहती थी और अब लखनऊ के पिपरा घाट से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे साधना गुप्ता की अंतिम संस्कार की सभी रस्में अदा की जा रही हैं। आपको बता दें कि मुलायम परिवार के सभी सदस्य भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव, शिपाली यादव, राम गोपाल यादव सभी मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिपरा घाट ले जाते हुए ये साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं। अंतिम संस्कार की सभी रस्में शुरू हो चुकी हैं। सपा के वरिष्ठ नेता हूं या फिर अखिलेश और उनके परिवार के सभी सदस्य सभी मौजूद है। तस्वीरों में आप शिवपाल को, अखिलेश को साफ तौर पर देख सकते हैं। कई बड़े चेहरे मौजूद है पिपरा घाट पर और जो अंतिम रस्में होती हैं उनको अदा किया जा रहा है। पिपरा घाट से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सपा के सभी वरिष्ठ चेहरे मौजूद हैं, पूरा परिवार मौजूद है इस वक्त। बीती शाम से ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ही मुलायम सिंह यादव के साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम दर्शन की तस्वीरें हैं साधना गुप्ता की। प्रतीक यादव ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सभी की आंखें नम नजर आ रही हैं। अंतिम दर्शन के लिए कई वीवीआईपी पहुंचे हैं। पिपरा घाट में साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और कुछ ही देर में वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। पिपरा घाट से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां बेटे प्रतीक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर रहे हैं, पिपरा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव भी पिपरा घाट पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें लोग अंतिम दर्शन के लिए पिपरा घाट पहुंचे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सभी पिपरा घाट पर मौजूद हैं। सभी की आंखें नम नजर आ रही हैं। पूरा परिवार इस दुख की घड़ी में एक साथ खड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सभी अपने फर्ज को अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ देखने को मिल रही है पिपरा घाट पर। पूरा परिवार, पूरा सपा परिवार मौजूद है इस दुख की घड़ी में मुलायम सिंह के साथ। बीती शाम से ही लोगों का शोक संवेदना प्रकट करने के लिए तांता लगा रहा। आज सुबह योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने मुलायम सिंह और उनके परिवार को सांत्वना दी, शोक प्रकट किया। साधना गुप्ता, उनका जीवन सपा के लिए रहा है समर्पित। पहले वो सपा कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी थी सपा से, उसके बाद उनकी जब मुलाकात मुलायम से हुई तो एक जुड़ाव सब उन्होंने महसूस किया। परिवार के प्रति उन्होंने आकर्षण महसूस किया, परिवार के प्रति वो समर्पित हुई और इसी समर्पण को देखकर मुलायम सिंह यादव ने उनको अपनी पत्नी का दर्जा दिया। हालांकि दूसरी पत्नी का दर्जा मिला क्योंकि जब मुलायम की मुलाकात साधना गुप्ता से हुई तो उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था, काफ़ी अकेले थे और जब उनको लगा कि साधना गुप्ता उनके परिवार को संभाल सकती हैं तो उन्होंने साधना गुप्ता का साथ स्वीकार किया और साधना गुप्ता ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, अपना पूरा समय परिवार के लिए समर्पित कर दिया। मुलायम साधना गुप्ता के साथ ही रहते थे, अंतिम समय तक वो साधना गुप्ता के साथ ही रहे और आज जब अंतिम विदाई का समय भी आया तो मुलायम साधना के साथ साथ चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेटे प्रतीक ने अपनी मां को कंधा दिया, उनके पार्थिव शरीर को उनके अंतिम स्थान तक लेके गए, पूरा परिवार मौजूद रहा।
और कुछ ही देर में वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी। पिपरा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सभी की आंखें नम नजर आ रही हैं, पूरा परिवार एक साथ है। जहां राजनीति में कई बातें कही जाती है, कहा जाता है कि अखिलेश, मुलायम, शिवपाल सब अलग अलग है, लेकिन सुख दुख की घड़ी में पता चलता है कि परिवार एक है। और आज यही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जब मुलायम सिंह यादव को अपने परिवार की जरूरत है तो पूरा परिवार उनके साथ है, पूरा सपा परिवार भी उनके साथ है, सपा के कई बड़े नेता, कार्यकर्ता सब मौजूद नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह के इस दुख की घड़ी में। तस्वीरों में देख सकते हैं साधना गुप्ता की अंतिम यात्रा की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिजन कार्यकर्ता सभी घाट पर मौजूद है, पार्थिव शव के अंतिम दर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। शिवपाल, राम गोपाल सभी मौजूद हैं, अंतिम सफर पर साधना गुप्ता है। पिपरा घाट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सभी इस वक्त दुख में लिप्त नजर आ रहे हैं, सबकी आंखें आप देख सकते हैं नम है, सभी साधना गुप्ता को याद कर रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है पिपरा घाट से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वो पंच तत्वों में विलीन होने जा रही हैं। बेटे प्रतीक द्वारा सभी फर्ज को अदा किया जा रहा है। लखनऊ के पिपरा घाट में साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो एक लंबा जीवन उन्होंने मुलायम सिंह के साथ व्यतीत किया साधना गुप्ता ने, फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव से 20 साल छोटी थी साधना गुप्ता, लेकिन उनके समर्पण को देखते हुए मुलायम सिंह ने उन्हें अपनाया, उनसे दूसरा विवाह किया और फिर दोनों ने जो ये एक दूसरे का साथ थामा वो अंतिम सांस तक चला। पहली तस्वीर देख सकते हैं साधना गुप्ता की अंतिम यात्रा देखने को मिल रही है, इन तस्वीरों में परिजन कार्यकर्ता सभी मौजूद है, बीती शाम से ही सभी का आने का सिलसिला जारी रहा। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अंतिम संस्कार की, और पंचतत्व में विलीन होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, साधना गुप्ता को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरह से ये अंतिम प्रक्रिया चल रही है, साधना गुप्ता अब कुछ ही क्षण में पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगी, सभी की आंखें नम है, सभी लोग, पूरा परिवार मौजूद है इस वक्त, पूरी जानकारी चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दूं कि मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी मुलायम सिंह यादव भी यहाँ मौजूद है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण वो कार से अपने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसके अलावा शिवपाल यादव हो गए, प्रतीक यादव हो गए, मुलायम अखिलेश यादव हो गए, तमाम जो यादव फैमिली यहाँ पर मौजूद है, सभी की आंखें नम है। और ये पहला ऐसा अनुष्ठान होगा समाजवादी पार्टी में जहाँ पर एक कार्यकर्ताओं ने शोक सभा में बिना किसी शोरगुल के चुप्पी साधते हुए साधना गुप्ता को अंतिम विदाई दी है, उनके उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। जी, तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा परिवार एक साथ है। राजनीति में हमेशा कहा जाता था कि सब अलग अलग है, लेकिन परिवार का जो मतलब होता है वो इस वक्त हम तस्वीरों में देख सकते हैं। दुख का समय है, सभी एक साथ है। जी देखिए, शिवपाल यादव ने भले ही अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से हटकर अपनी पार्टी बनाई हो, लेकिन एक परिवार की बात आपने जैसे कहा कि परिवार परिवार ही होता है, आखिर में साथ परिवार ही देता है। तो कुल मिला के शिवपाल यादव ने सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव यहाँ सम्मिलित हुए और साथ ही प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी यहाँ सम्मिलित हुए, साथ ही तमाम अन्य लोग हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह से एक पंच तत्व में विलीन होने वाली है साधना गुप्ता, हवा पानी और तमाम जो चीजें हैं वो उनसे अब दूर हो जाएंगी। साधना गुप्ता का भी एक सफर था राजनीति का, काफी अच्छी कार्यकर्ता साबित हुई अपने, उन्होंने एक कार्यकर्ताओं में उनकी एक छाप थी जिस कारण आज सैकड़ों हजारों की संख्या में मुलायम सिंह के घर के बाहर कार्यकर्ता मौजूद थे, तमाम मीडिया संगठन मौजूद थी, तमाम पुलिस दल मौजूद था और हर वो नेता यहाँ पर पहुंचा जो कभी मुलायम सिंह के विपक्ष बैठता था, लेकिन आज विपक्ष और पक्ष को हट के
राजनीति से हट के आज यहाँ पे योगी आदित्यनाथ से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहाँ मौजूद रहे और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पे, उन्होंने शिरकत की, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि, मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचकर साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी और अपना दुख उनके साथ प्रकट किया और उनका दुख बांटा। जी जी सागर, ऐसा कहा जाता है कि जितने ज्यादा लोग आपकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं वो आपके अच्छे कर्मों का फल होता है, आपने उनके साथ कुछ अच्छा किया होता है जिसका वो फर्ज अदा करने आपको आपके अंतिम दर्शन करने आते हैं, और यहाँ पे लाखों लोगों की जो भीड़ देखने को मिल रही है, क्या ये साधना गुप्ता और उनके परिवार के, मुलायम सिंह के अच्छे कर्मों का फल ही है जो लोग आज उनके लिए याद कर रहे, उन्हें अपने आंसू बहा रहे, सबकी आंखें नम नजर आ रही है? जिस का मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक मुलायम सिंह यादव है जो जमीनी नेता के तौर पर गिने जाते हैं, माने जाते हैं, उसके साथ ही साधना गुप्ता के साथ उन्होंने विवाह किया, भले ही वो दूसरी पत्नी नहीं हो लेकिन उनके साथ ही साधना गुप्ता का काफी करीबी और अच्छा संबंध था। और साथ ही आपको बता दूं कि जो परिवार में डिम्पल यादव है और तमाम अर्पणा यादव है, तमाम लोग हैं वो आज भी साधना गुप्ता के साथ थी, लेकिन क्या करें, इस दुनिया में जो एक संसार की नीति है कि आप आएंगे तो जाना आपको पड़ेगा। और साथ ही दूसरी बात आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात आपने कही कि परिवार, जीते जी हर कोई व्यक्ति साथ में रहता है लेकिन मरने के बाद वही व्यक्ति पीछे आता है जिनके साथ आप कुछ अच्छे पल जीते हो या फिर आप उसकी लाइफ में या जिंदगी में कुछ अच्छी छाप छोड़ के गए, तो वही हाल साधना गुप्ता के साथ आज देखने को मिला। यहाँ पर तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता थे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे, लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, अंतिम संस्कार तक वहां पहुंचे, कार्यकर्ताओं में इतनी भीड़ थी, उस जगह पे इतना ऐसा माहौल था कि आप पैर नहीं रख पाएंगे, लेकिन वही है कि हर कार्यकर्ता यहां पर अपनी शिरकत करना चाह रहा था, मौजूद होना चाह रहा था, और वो आज इस बयां करती इस चीज को कि साधना गुप्ता की एक अलग ही छाप थी समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम अन्य राजनीतिक दलों में और जमीनी नेताओं में। जी, अगर पिपरा घाट की बात करी जाए सागर, तो वहाँ क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले, क्योंकि काफी लोगों की भीड़ भी आनी थी, और अगर बात करें पार्थिव शव के आने से पहले ही काफी कार्यकर्ता वहाँ पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए, कुछ मुलायम के घर पहुंचे तो कुछ घाट पहुंचे, क्या मंजर देखने को मिला? देखिए, पिपरा घाट की अगर बात करूँ तो शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर एक आज ऐसा मंजर हमने देखा कि शायद ही कभी ऐसा मंजर देखने को मिला। यादव परिवार के लिए आज एक दुख की बड़ी, बहुत बड़ी दुख की घटना थी जो किसी यादव परिवार में या किसी भी कार्यकर्ता या फिर किसी भी बड़े नेता ने सोची नहीं होगी, लेकिन आज इस दुख को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, उन्हें मंजूर करना पड़ा है। तो वहां पर हमने देखा कि चंदन की लकड़ियों से उन्हें अंतिम विदाई के लिए, अंतिम क्षण के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी में रखा गया, और साथ ही जो लाल जोड़ा होता है सुहाग का, जिसे कहते हैं सुहागा या तमाम जो दुल्हन का जोड़ा होता है, वो भी रखा हुआ था, वो भी वहां से हटाया गया, और अखिलेश यादव भी मौजूद थे, प्रतीक यादव ने उन्हें कंधा दिया और कंधे देने तक वहां तक उन्हें पहुंचाया जहां पर वो पंच तत्व में विलीन होने वाली थी, और तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। और आज एक सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि परिवार सबसे बड़ी चीज होता है, अखिलेश यादव भी वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव भले ही कार में बैठे हो लेकिन एक नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह साधना गुप्ता से बेहद ही करीबी और बेहद ही अच्छा नाता था, भले ही मुलायम सिंह से 20 साल छोटी रही हो लेकिन साधना गुप्ता एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत ही बेहतर तरीके से उभरी, जो आज हमें देखने को मिला कि कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में तमाम यूपी के तमाम और देश के तमाम जिलों से यहाँ पर सम्मिलित हुए। जी सागर, जैसे आपने सुहागा की बात करी है, 1 बजे उनकी अंतिम विदाई का समय था लेकिन उसमें देर लगी, क्या यही वजह थी क्योंकि उन्हें सजाया और सवारा जा रहा था, क्योंकि वो एक सुहागन की तरह इस दुनिया से गई हैं, पूरे 16 श्रृंगार करके उन्हें इस दुनिया से विदा किया गया? देखिए शिखा, मूल तौर पे ये होता है कि अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसमें लगता है समय, काफी समय विधि विधान से उन्हें विदा किया गया, मुलायम सिंह की आवाज से आखिरी सवारी उनकी अंतिम विदाई निकली और 1 बजे का समय रखा गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ थी और विधि विधान को इतना समय लग गया कि वो समय थोड़ा सा बढ़ता चला गया। भले ही आप कह दें कि एक मैंने बात कही कि सुहागा, देखिए सुहागा एक बहुत बड़ी चीज होती है एक महिलाओं के लिए और तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इसी रूप में विदा होना था, आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई, और यादव परिवार के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए आज एक दुख भरा दिन है। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे साधना गुप्ता के परिवार के लिए सागर, क्योंकि बहुत ही दुख भरा समय है और अब वो पंचतत्व में विलीन होने जा रही है।
देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि साधना गुप्ता की एक अलग ही पहचान थी, भले ही वो अखिलेश यादव के करीब थी और प्रतीक यादव के करीब थी, लेकिन मुलायम सिंह की काफी करीबी थी। हर दौर में उन्होंने उनका साथ दिया, हर दौर में राजनीति से लेकर जब मुलायम सिंह जमीनी नेता के तौर पर उभरे उसके बाद भी मुलायम साधना गुप्ता ने उनका साथ दिया। शिवपाल यादव के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे, रामगोपाल यादव के साथ भी अच्छे संबंध थे। कुल मिला के अगर कहा जाए तो वो एक मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थी, लेकिन आज उस दुनिया में नहीं है, तो हम भी उन्हें नम हाथों से विदाई देते हैं। और ये विधि का विधान है, दुनिया का एक विधान है कि जो इस दुनिया में है वो जाएगा पक्का। तो यही है साधना गुप्ता की व्यक्तित्व, बहुत ही बेहतर था, बहुत ही कमाल का जीवन था उनका। उन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया, काफी मेहनत भी की शुरुआती दौर में, लेकिन आज वो इस दौर से गुजरी है और आज हमारे बीच नहीं है। तो हर कार्यकर्ता और हर यादव परिवार, हर देश का बड़ा नेता, हर व्यक्ति उन्हें याद करके कहीं ना कहीं अपनी आंखें नम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं साधना गुप्ता और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें इस दुनिया से विदाई दी गई है। सभी की आंखें नम है। साधना गुप्ता की अंतिम विदाई की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सभी लोग साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, सभी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला, आंखें नम थी, नम आंखों से सभी ने विदाई दी, उनके अच्छे कर्मों को याद किया और साथ ही साथ मुलायम परिवार को सभी सांत्वना देते हुए नजर आए। पूरा परिवार एक साथ इस वक्त भी पिपरा घाट पर मौजूद है और पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं साधना गुप्ता। पिपरा घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेटे प्रतीक यादव ने मुखाग्नि दी है, अखिलेश यादव भी घाट पर मौजूद रहे, तमाम जो फर्ज थे प्रतीक यादव ने उन्हें पूरा किया है, अपनी मां को मुखाग्नि दी, कंधा भी दिया। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सभी मौजूद हैं इस वक्त पिपरा घाट पर। तो सपा में एक अहम भूमिका निभाई है साधना गुप्ता ने, एक अहम योगदान दिया है मुलायम सिंह की पत्नी के रूप में भी, एक कार्यकर्ता के रूप में भी और राजनेताओं की मां के रूप में भी। वो चाहे अखिलेश को संभालना हो या फिर प्रतीक को या फिर पूरे परिवार को, उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, अपना फर्ज निभाया और इसी फर्ज को सभी परिवार ने भी निभाया। आज अपनी घर की बहू को अंतिम विदाई देने और इस दुनिया से विदाई देने के लिए सभी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंचतत्व में विलीन हो गई। एक सच्चाई है दुनिया की कि जो इस दुनिया में आता है उसको जाना ही होता है। कुछ समय से पहले आते और जाते हैं तो कुछ समय के पूर्ण होने पर इस दुनिया से जाते हैं। और साधना गुप्ता बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कहकर गई हैं, लेकिन वो हमेशा ही सभी के दिलों में जिंदा रहेंगी। सपा कार्यकर्ता, सपा नेता, मुलायम परिवार सभी के दिलों में वो हमेशा जीवित रहेंगी। पूरे जीवन में उन्होंने जो भी अच्छे काम किया आज सभी उन्हें याद कर रहे हैं, वो चाहे सपा कार्यकर्ता के तौर पर हो, अपनी बात को रखना हो या फिर सपा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उनके फैसले और सुझाव हो, सभी को आज याद किया जा रहा है। एक अहम भूमिका रही है साधना गुप्ता की भी। मुलायम की पत्नी के साथ साथ अखिलेश और प्रतीक की मां के रूप में भी उन्हें जाना जाता रहा है। पूरा यादव परिवार इस वक्त मौजूद है पिपरा घाट पे, पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं साधना गुप्ता। तो यादव परिवार के लिए ये दुख भरी घड़ी है। प्राइम टीवी भी उन्हें संवेदना व्यक्त करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें इस दुख भरी घड़ी से बाहर निकलने में ईश्वर उनकी मदद करे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।